तब से हम जब से आए हैं आधा घंटा तो हो ही गया स्टेज पर, तब से देख रहे हैं इधर वाले बोलते हैं तो उधर वाले खामोश रहते हैं। अब आप लोग थोड़ी देर चुप हो जाइए, पीछे में जितने हजरात थे एक मर्तबा बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों को भूख लगी है? आप लोगों को भूख लगी है? नहीं ना, भूख नहीं लगी है। अच्छा, आप लोगों को भूख लगी है? अरे पीछे वाले भाई लोग, भूख लगी है? नहीं लगी है ना, तो एक मर्तबा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप लोग चुप रहिए, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, उनकी आवाज मुझ तक बहुत कम आ रही, इसलिए मैं सोच रहा हूं उन लोगों से बोलवा। और सुभान अल्लाह कहना आसान तो बहुत है, लेकिन ये इसकी नेकियां बहुत भारी है। जोर से बोले, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह जोर। एक साहब ने तकरीर की, सुन रहे इधर वाला, ए बाबू सुन इधर बेटा, खामोशी के साथ सुनिए, जब बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, या रसूल अल्लाह बोलिए, माशा अल्लाह बोलिए, इधर खामोशी सुनिए, उधर खामोश करना सबके बस की बात नहीं है। इधर खामोश तो कोई भी कर सकता है हजरत, लेकिन ये बायां बाजू को खामोश कर दे सबके बस की बात। खुला पैसा देखे हैं? सिक्का दो रुपया, चार रुपया ला, चार रुपया का सिक्का देखे हैं? गोरा हाँ, चार रुपया का सिक्का खा गया। अच्छा, दो रुपये का, एक रुपये का, पाँच रुपये का, दस रुपये का सिक्का देखे हैं ना? जेब में रखिए तो कितना खन खन आता है, कितनों हिफाजत से उसको रखिए, लेकिन जब चलिए जेब थोड़ी सी हिलेगी ना जैसे झन झन करेगा। कितनों संभाल के बैठाइए हमारी माँ बहन बेटियों को, वो झनझनते रहेगी, खामोश रहने वाली नहीं। थोड़ी देर मेरी माँ बहन बेटियां खामोश हो जाए, आप लोग थोड़ी देर खामोश रहें, फिर इंशाअल्लाह रहमान आपके फायदे की बात इंशाअल्लाह आपके कानों तक, आपके आपकी समातों तक इंशाअल्लाह मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुभान अल्लाह, एक साहब ने तकरीर की कि जो सिद्क दिल से सुभान अल्लाह कहता है, जो सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह जल्ला शानहु उसके नामे आमाल में इतनी नेकियां, इतनी नेकियां, इतनी नेकियां अता फरमाता है, गोया जमी से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाता है। अब जब इतना सुना, मजमे में तकरीर हो रही थी कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो भी कोई खुदा का बंदा, जो भी कोई बंदे खुदा सच्चे दिल से रब की पाकी बयान करता है, सुभान अल्लाह कहता है, तो अल्लाह जल्ला शानहु उसके नामे आमाल में इतनी नेकियां, इतनी नेकियां ता फरमाता है, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाता है। जब इतना कहना था तो पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बात भी वहां जब तकरीर हुई, वहां के लोगों ने इसी तरह बोला सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमाते हैं कि जब कोई दूसरी मर्तबा सच्चे दिल से कहता अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह कहता है, तो अल्लाह जल्ला शानू उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां, इतनी नेकियां, इतनी नेकियां अता फरमाता है, गोया के आधे आसमान से लेकर के अरशे बरी तक नेकियों से भर दिया जाता है। तकरीर तो हो गई खत्म उसकी, अभी यहां नहीं वहां, यहां भी तो शुरू भी नहीं हुई, तकरीर तो हो गई। जब वो बैठ गए, हजरते जीशान की तरह कोई शायर आया, हजरते शम्स कलकत्वी की तरह कोई शायर आया, हजरते चराग कलकत्वी की तरह कोई मद्दाहे रसूल शायरे इस्लाम आया, कोई सुभान अल्लाह ना बोले, नकीब आया,
शेर पे शेर, कलाम पे कलाम, गुफ्तगू पे गुफ्तगू, ना सहाना खिताब, लेकिन उसके बावजूद कोई सुभान अल्लाह ना बोले। आखिर में तो वो चर्ब ज़ुबान होते ना, जैसे अभी देखिए नकीब अहले सुन्नत उस्ताज़ुन नुक़बा हज़रत जो मशहूर नाम हलचल सिवानी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नकाबत हो रही है। ये तो चूकने वाले ने पूछा कि इतनी देर तकरीर हुई उनकी, तब तक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खूब बोले, अब क्यों नहीं बोलते? तो जवाब क्या था मजमे तरफ से मालूम है कि हजरत एक मरतबा सुभान अल्लाह कहें तो नेकी से आधे आसमान तक पूरा भर गया, दूसरी मरतबा कहें तो आधे आसमान से अरशे बरी तक भरिए गया, तीन मरतबा कहे हैं वही तो रहने की जगह ही नहीं है, अब की कहेंगे तो नेकी रहेगी कहाँ? आप लोग भी यही सोच रहे हैं क्या? जोर से बोले, आप लोग भी यही सोच रहे हैं? नेकी रहने की जगह तो बहुत है, लेकिन पहले ये तो देखिए कि हम जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं हर मरतबा सुभान अल्लाह कहना अल्लाह कबूल कर रहा है कि नहीं। हमारा अकीदा ये है सुभान अल्लाह कहना मौला हमारा काम है और इस तस्बीह को कबूल करना तेरा काम है। अल्लाह फजल अता फरमाए। कौन दिया ये? नहीं बहुत खामोश हो गई, वरना एक साहब ने कहा था हुजूर ये कुकर जो है कुकर कुकर देखें, अरे जोर से बोले कुकर देखें, अरे खान साहब पहले बोल दिया दाल पकता है, हमको सुनने में लग रहा था गाछ में फलता है, लेकिन दाल पकता है ना, हाँ दाल पकती है उसमें क्या कुकर जिसमें दाल पकाते। पूछा कि आखिर ये कंपनी वाला इतना बढ़ा चढ़ा के काम क्यों किया? क्या क्या किया? बोला ये बताओ कि कुकर में तीन सीटी काहे दिया है, एक ही सीटी मगर दाल पक जाती खाना पक जाता, तीन सीटी देने की जरूरत क्या थी? तो किसी आलिम से पूछता, साइंसदान से पूछता, कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले पूछता तो कुछ समझ समझा के बाद जवाब देता। पूछा भी उसी आदमी से जो ना कभी मदरसा से भेंट किया ना स्कूल से मुलाकात किया, अनपढ़ आदमी से, तो वो भी सवाल जैसा सवाल करने वाला वैसा जवाब देने वाला, जवाब क्या दिया मालूम है? बोला बेवकूफ कंपनी वाला पागल थोड़ी ने था, सोच समझ के तीन सीटी उसमें लगाया। बोला का है? बोला ये बताओ कि खाना ज्यादातर औरत पकाती है कि मर्द पकाता? बोला नहीं औरत पकाती है। बोला तब इसीलिए तो उसमें तीन सीटी दिया है रे। बोला क्यों? बोला एक मरतबा सीटी बजी, दो मरतबा, तीन मरतबा, तब समझ में आ गया अब हमको उतारना है, क्योंकि एक मरतबा में कभी औरत सुनती है रे? एक मरतबा तो कभी औरत सुनती है नहीं है? उसको सुनाने के लिए अभी आप भी जाइए ना, आप कहीं धूप से काम करके आए हुए हैं और जैसे ही घर पहुंचिए और अगर कहीं वो लेकर के मोबाइल लेकर के उसमें बिजी है, चाहे अंगूठा छाप है लेकिन बिजी है, अरे जाइए उसके बाद में कहो एक लोटा पानी लान तो तब देख लेगी, उसके बाद में फिर मोबाइल भी देखेगी, फिर अरे तुम्ही को कह रहे हैं जाने एक लोटा पानी लाने पियेंगे, उसके बाद कहेगी बबुआ किधर गया है? अरे बाबू अब्बू के पानी ला दो, और फिर मोबाइल में देखेगी। उसके तीसरी मरतबा जब कहे सुनाई नहीं दे रहा है पानी लाओ, तब तो जाकर के उठेगी। एक मरतबा जल्दी औरत सुनबिन करती है, तीन मरतबा सुनाना पड़ता है, एक मरतबा तो नहीं सुनी, दूसरी मरतबा कुछ खामोश हुई है, अब देखिए तीसरी मरतबा जब कहेंगे तब खामोश होती है कि नहीं होती है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। अब इधर थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी, वैसे वो लोग भी बहुत तेज है, तर्रार है, बहुत चालाक है, अभी देखे नहीं, अभी देखे नहीं, अभी जब ये बंद हुआ खत्म नहीं हुआ, खाली लॉक हुआ है, ये 2000 वाला नोट बंद हुआ ना, हाँ अभी जो है सब जमा करो, वापिस करो, वापिस करो। जो औरत
दबा के रखी थी ना, कहाँ? तकिया में, सूटांग नीचे, साड़ीवाग भीतर, चावल के डराम में, झोला में, बटुआ में, बटुआ में, डिब्बा में, वो सब कब निकाले हैं मालूम है? जब अगर मर्द कहता था कुछ पैसा है तो दरभंगा जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, पैसा है तो क्या कहते थे? जहर खाने की एक रुपया है ये नहीं, और 2000 रुपया घुसा के रखती हूँ। लेकिन जब बंदी हुई, जब पता चला कि 2000 रुपया बंद, तो एक औरत को पता चला तो वो औरत दूसरी औरत के पता है कुछ लड़की 2000 रुपया खत्म, 2000 रुपया बंद, हाँ ना जो हाँ बंद हो गया। हम दुवेग रखे हैं, ये तो तुम दुवेग रखी है, हम चार ठो रखे से लग रहा है करे तो करें क्या, आलम ये है। और ऐसे आलम में फिर क्या कहते मालूम है, उसको जमा करने के लिए किसको देना, खुद बैंक नहीं जा रही, अब शोहर को देना है, तो ये नहीं कहती है कि हम छुपा के रखे ले जा करके देती है, बैंक जा रहे हैं कि ले, ये जो है ना फलना ना फलनवा फलनवा के अम्मी के पैसा है, उसका अबू नहीं है यहाँ घर पे, से थोड़ा बदल दीजिएगा, इन्हें कह के हम ही छुपा के रखे हुए थे, ये मेरी माँ बहने हैं। लेकिन हाँ, तेज तर्रार भी है और अकीदत करने वाली भी है, और यकीनन बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाली भी होती है। ये औरतों का मकाम जानते हैं कितना ऊंचा है, इंशाल्लाह मैं थोड़ी ही देर में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से वहां तक जिसके घर जोगायत लेकर के हम और आप इस महफिल में हाजिर हुए हैं, उसके ताल्लुक से कुछ हम और आप बातें करें। पहले हम और आप एक मरतबा जोर से खुदा की तस्बीह का नारा एक मरतबा और मोहब्बत से लगावे और बोले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अब एक चीज ये देखिए, आज हम लोग उर्से हमीदी में आए हुए हैं, आप उनके मजार पे कभी गए हैं? अरे जोर से बोला, उनके मजार पे कभी गए हैं? नहीं गए आप लोग? कभी गए हैं ना? अच्छा, जाते फूल भी चढ़ाते ना? फूल भी चढ़ाते हैं, हम चादर भी चढ़ाते हैं, इत्र भी हम उसमें डालते हैं, खुशबू का छिड़काव भी करते हैं। अब एक चीज ये जानिए, खुशबू हम उन्हें दे रहे हैं जो मजार के अंदर में है, और मजार के ऊपर ये जमीन के ऊपर रहने वाला खुशबू छिड़क रहा है, और किनके जो हमारी नजरों से ओझल है जमीन के भीतर है, हम उनके ऊपर फूल भी चढ़ा रहे हैं। आज कोई ये कहता है जहांगीर आलम ओवैसी, आज तक मैंने देखा कि फूल का माला लोग उठाते हैं, और अगर देखते हैं कि शम्स कलकत्वी है तो उनके गले में डाल देते हैं, हलचल सीबानी है उनके गले में डालते हैं, हजरते जो जीशान साहब है उनके गले में डालते हैं, दीगर उलमा है उनके गले में डालते हैं, कोई नेता किस्म का आदमी है उनके गले में डालते हैं। मैंने कहा कहने का मतलब क्या है? जवाब दिया, कहने का मतलब यह है कि फूल का हार उसे चढ़ाया जाता है जो जिंदा है। आप मजार पे जाते हो, फूल चढ़ाते हो, मजार पे जाते हो, उनकी कब्र पे जाते हो, इत्र लगाते हो, आखिर फूल तो जिंदों को चढ़ाया जाता है। तब ये सुन्नी मुसलमानों के तरफ से जवाब था जो जहांगीर आलम अवैसी ने उस वक्त ऐलान के साथ कहा, ए लोगों, यकीनन ये फूल जिंदों को चढ़ाया जाता है। हमने वलियों को मुर्दा समझा नहीं है, हमने जाना नहीं है, बल्कि हमने वलियों को जिंदा कल भी जाना था, आज भी जानते हैं, और सुबह कयामत तक अल्लाह के वली जिंदा है, क्योंकि हमारा इस्लाम जिंदा कल भी था, आज भी है, हमारा इस्लाम सुबह कयामत तक। माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह फजल अता फरमाए, सबकी कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमाए।
पैसा दे रहा है उसका हमें टेंशन नहीं, हमको वैसे पैसा की जरूरत है नहीं ना। शम्स कलकत्वी को दीजिए, हजरत चिराग कलकत्वी को दीजिए, जीशान भाई को दीजिए, हजरत हरी मुमताज साहब को दीजिए, हजरत नौ इरशाद साहब को दीजिए, नौशाद साहब को दीजिए, हजरत मौलाना शकील रहबर साहब को दीजिए, अंबर साहब को दीजिए, इन लोग को दीजिए। इन लोग शायर है, नातखा है, इन लोग को पैसा ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इन लोग बढ़िया बढ़िया खाता है। हाँ, इन लोग अच्छा खाना खाता है, और जब इन लोग बढ़िया खाना खाता है तो बाल बच्चा भी तो अच्छा ही खाता होगा। अरे जोर से बोलो, खाता है ना? जब इन लोग रोज़ बिरयानी खावे, हाँ चिकन मटन खावे, तो इसका बाल बच्चा भी बढ़िया खाता होगा। इसलिए इन लोग को पैसा दीजिए, इन लोग बढ़िया खाता है, खाना खाता है, चावल है, पुलाव है, बिरयानी है, इनका बाल बच्चा भी खाता है, और हमारा बाल बच्चा खाली हवा पीता है। अजीब है, हमारा बाल बच्चा भी खाता होगा। हाँ, अल्लाह का फजल है। अब थोड़ी देर इधर तवज्जो रखे, जिंदगी के साथ, जिंदगी के साथ सुने। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, एक जगह पर इसी तरीके से गए ना, तो प्रोग्राम के बाद में जो नजराना दिया, बोला हजरत ये पेट्रोल का खर्चा है, तो हम बोले वो गाड़ी फूंक दिया रहा, हमारा पेट का खर्चा क्या देगा? तो बोल रहे ये चाय का खर्चा है, तो नाश्तवा का दे देंगे इसके बाद। अल्लाह सलामती अता फरमाए, ये मोहब्बत है। हाँ, हम चंदा नहीं कर रहे हैं, चंदा नहीं कर रहे हैं, अल्लाह सलामती अता फरमाए। बात बहुत दूर निकल गई, अब थोड़ी तरह थोड़ी देर इधर तवज्जो रखे, इधर तवज्जो रखे, सुनने के लिए तैयार हैं? अरे जोर से बोलो, तैयार हैं? वैसे अब जान लीजिए कि हमको माला पहना दिया, अब हार मुझको मिल गई, देख रहे, अब टेंशन नहीं है आप लोगों को, लेकिन हमको टेंशन है। कुर्बानी का महीना आने वाला है। और घर वाला पूरा खुश रहता जब माला कुर्बानी के खसी को देखते पहनाते, अभी खान साहब ने बोले पहना देते, तो घर वाला पूरा खुश रहता है, लेकिन खसिया टेंशन में है कि इतना दिन बड़ा पहनाया नहीं, आज पहनाया क्यों? तब पता कब चलता है मालूम है? जब कहता है कि अब लेटाओ, तब अब कुर्बानी का टाइम होता है, तब उसको पता चलता है। लेकिन हार पहनाने का मतलब ये है कि टाइम उसका करीब आ गया है, लगता है मेरी भी तकरीर का टाइम ख़त्म होने वाला है। लेकिन थोड़ी देर आप लोग सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? जोर से बोले, तैयार हैं? अब मैं ये कह रहा था, हमारे वली जिंदा, हमारे वली, अरे जोर से बोलो, हमारे वली, हमारा नबी, हमारे शहीद, हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदाबाद, जिंदा है, जिंदा है, और हम ये मुसलमान ना समोरल, अरे जिंदा है ना, तो हम बोला ये सब मुसलमान जिंदा है। अजीब है, शान से बोलिए कि जिंदा है, हम ये मुसलमान। हाँ माशाल्लाह, एकदम मुसलमान जिंदा है, ये जिंदा मुसलमान है माशाल्लाह। अल्लाह सबको अल्लाह सबकी ज़िंदगी को सलामती अता फरमाए, और मौला हम सब मुसलमानों को अच्छी ज़िंदगी अता फरमा। जोर से बोले, अच्छी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन बोले, आमीन। वैसे जब 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 दुआ की जावे, और दुआ अगर अच्छी हो तब आमीन बोला करे। जब दुआ अच्छी हो तो क्या बोलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या बोलना चाहिए? आमीन। लेकिन हाँ, कब? जब दुआ ठीक ठाक है तब, हर वक्त आमीन नहीं बोल दीजिएगा। एक साहब इसी तरीके से पूरे मोहल्ले वालों को दावत दे दिया, बोला सुनो मेरे यहाँ तुम लोगों की दावत है। बोला किस चीज़ की दावत है? खाने की। बोला नहीं, खाने की दावत नहीं है। ये परे से रिपोर्टर है। हाँ है ना? हाँ ना, ठीक 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 से ले ले। हाँ ले 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 ले। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? आप भी बताइए ना, करेगा? चलो जा ना, टोपी तेरा पर पहनेंगे। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ठीक है, बच्चा है अभी, उतना समझ नहीं रहा, समझेगा थोड़ी देर। हाँ बेटा, हाँ बच्चा है, बच्चा ऐसे फोटो नहीं लिया जाता है सामने से। हाँ हाँ, रुमाल बांध ले बेटा, मान ले। माशाल्लाह, नहीं फिर भी ठीक है हजरत,
बढ़िया है ना। तो आजकल देखते हैं एक आदमी भी बाल रखने का सिस्टम देखे कि नहीं, अजीब हालत है। हर मौके से जब कोई देखा कि इधर बढ़ा के रखा है तब सब बढ़ाने लगा, देखा थोड़ा हल्का घटा दिया तो ये लोग भी घटाने लगा, देखा कि कुछ और छटा दिया तो इन लोग भी छटा दिया, देखा कि पूरा सटा के ख़त्म कर दिया तो ये लोग भी ख़त्म कर दिया। हाँ, जैसा देख रहा है वैसा कर रहा है। हाँ, लेकिन किसको देख रहा है? ADL अपना किसको बना रहा है? नकल किसकी कर रहा है मालूम है? अपनों की नकल नहीं कर रहा है, गैरों की नकल कर रहा है। और याद रख ले, जो गैरों की नकल करता है वो कामयाब नहीं हो सकता। अरे कामयाबी चाहते हो तो अपनों की नकल कर, अपनों की नकल करो। अगर नकल ही करना है तो देख ख्वाजा गरीब नवाज की, ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार के नकल कर। हुजूर सैयदी सरकार साबिरे कलियर के अखलाक की किरदार, अखलाक को किरदार की नकल कर। अगर नकल करना है तो हजरत अब्दुल हमीद कादरी की नकल कर ले। अगर बुजुर्गों की नकल करोगे तो ये दुनिया भी कामयाब होगी, तेरी आखिरत भी कामयाब होती। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी साहब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, रसूलल्लाह। लेकिन आज तो हम उसकी नकल कर नहीं पाते। अब बात बहुत दूर चली गई। तुर्बत पे आते हैं, मजार शरीफ पे, और कि ये नियत हमारी क्या है कि वो जिंदा है। नियत क्या है? वो अच्छा ये बताइए, मजार की बात अलग, आम कब्रिस्तान, आपके गांव में कब्रिस्तान है ना? माशाल्लाह। अल्लाह तीन ही कब्रिस्तान रहने दे। बस नेताजी इसी तरीके से बोले, क्या कमी है आपके यहाँ, हम पूरा करेंगे, लेकिन पहले हमको जिताओ तो सही। बोला हमारे यहाँ कब्रिस्तान की कमी है। बोला खाली जीतने दो, घर घर कब्रिस्तान बना देंगे। तो कम से कम तीन कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कभी गए हैं आप लोग? अरे जोर से बोला, कब्रिस्तान गए हैं? अब इस बात को यहीं रख करके मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कब्रिस्तान गए हैं? अगर कब्रिस्तान गए हैं तो कब्रिस्तान जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जोर से बोल, क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, कब्र वाले को सलाम करते हैं कि कब्र को सलाम करते हैं? किसको सलाम करते हैं? कब्र वाले को, जो कब्र के अंदर है उनको सलाम करते हैं। अब वो कब्र के अंदर, उस कब्रिस्तान में फजर का पढ़ने वाला भी उसी कब्रिस्तान में है, एक पंच वक्ता पढ़ने वाला भी उसी कब्रिस्तान में है, जुमा जुमा पढ़ने वाला भी उसी कब्रिस्तान में, लेकिन मुसलमान है। ईद बकरीद पढ़ने वाला, सिर्फ ईद बकरीद पढ़ने वाला सिर्फ भी उसी कब्रिस्तान में, लेकिन मुसलमान है। हज करने वाला हाजी भी उसी कब्रिस्तान में है, मैदाने जिहाद का गाजी भी उसी कब्रिस्तान में है। हम सबको सलाम करते मिन जुमला अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, यानी एक कब्र वाले तुम पर सलाम हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक सवाल पैदा होता, एकदम इत्मीनान के साथ इसका जवाब दिलो दिमाग में रखे कि अगर हम सलाम करते हैं तो क्या वो कब्र वाला सलाम का जवाब देता है? जोर से बोले देता है। देता है कब्र वाले, कब्र वाले जिसे हम सलाम करते हैं वो सलाम का जवाब देते हैं? देते हैं। अरे अब यकीन हो गया, जब सलाम का जवाब देते हैं तो जवाब देने के लिए सुनना जरूरी है, इसका मतलब वो सुनते भी होंगे। अरे जोर से बोले वो सुनते भी होंगे? नहीं सुनते हैं? अरे जोर से बोले सुनते हैं ना? हम और आप बोले तो कौन सी कमाल की बात है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब
तुम कब्रिस्तान के करीब से गुजरा करो तो कब्र वालों को सलाम कर लिया करो, उस कब्र के मुर्दों को सलाम कर लिया करो। सहाबा गुजार हुए, हबीबी या रसूल अल्लाह क्या हम सलाम करेंगे? तो हमारे सलाम को वो कब्र के भीतर मेरा करके सुन सकता है। तब मेरे आका मुस्कुराते हैं, मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराते हैं, ए मेरे गुलामों, ए मेरे सहाबा सुनो, जब भी कोई कब्र के मुर्दों को कब्रिस्तान के करीब पहुंचता है, कब्र के मुर्दों को सलाम करता है, तो सलाम करने वाले की सलाम को वो मुर्दे सुनते भी है और सुनने के बाद उसका जवाब भी देते हैं। और इतने ही नहीं बल्कि जवाब देने के साथ साथ सलाम करने वाले को पहचान भी लिया करते हैं, पहचान भी लेते हैं कि ये सलाम करने वाला कौन है, किसको कौन पहचान रहा है। जो आम कब्रिस्तान में आम मोमिन मुसलमान जो लेटे हुए हैं, जब एक आम मोमिन एक दूसरे सलाम करने वाले को जो जमीन के ऊपर है उसको पहचान सकते हैं, आम मोमिन आम मुसलमान की रूह उसे पहचान सकती है, तो अल्लाह का वली ये नहीं पहचान रहे होंगे कि कौन कौन हमारे इस उर्स के जलसे में आए हुए हैं, कौन आया है, कौन सुभान अल्लाह कह रहा है। मेरा अकीदा बोलता है हम सुभान अल्लाह यहाँ कह रहे हैं, अरे मेरा खुदा तो देख रहा है, कोई शक नहीं, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, कोई शक नहीं। मेरा अकीदा ये भी है कि अजमेर से खाजा भी मेरा देख रहे हैं और बगल से ये तुर्बत से हजरत अब्दुल हमीद कादरी अलैहि रहमतुर रिजवान भी देख रहे हैं और वो देख रहे हैं। हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो वो देख रहे हैं, जोर से बोलो देख रहे हैं वो, अरे हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं वो देख रहे हैं कि नहीं, देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। और जो खामोश है कुछ भी नहीं बोल रहा है उसको भी देख रहे हैं कि बेटा हलक तक खा लिया है और अभी तक कुछ बोल नहीं रहा और बैठे बैठे सूत रहा है उसको भी देख रहे हैं। इसलिए उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। अब खिराज अकीदत कैसे पेश करेंगे? एक मर्तबा कोई अगर कहे कि हुजूर जुमला बुजुर्गों को आपने या उनकी तुर्बत को आपने देखा नहीं, एक तुर्बत है मान के चलो जिसे आप अल्लाह के वली तस्लीम कर चुके, बुजुर्ग हस्ती है, अब उनके दामन से हमें वाबिस्ता होना है, ये चीज बताइए कि उनके कभी उनके फरमान को हम ठुकरा सकते हैं? अरे जोर से बोलो ठुकरा सकते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि घर घर मौलवी है, गांव में भी दो चार मौलवी, घर घर भी मौलवी, वरना वो दौर था जिस दौर में मौलवी तो अलग बात, अजान देने के काबिल भी लोग नहीं मिलते थे, उस दौर में पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। एक इलाके में मैंने सुना था कि पीर साहब भी आते थे तो साल दो साल तीन साल या तो छवें महीना में आते, जब भी आते थे तो लोगों की भीड़ रहती थी, अभी भी भीड़ रहती है, लेकिन बयत होने की भीड़ रहती है, मुरीद होने की भीड़ रहती है, और उस दौर में भीड़ रहती थी लेकिन किस चीज़ की मालूम है? बूढ़े चचा बता रहे थे, आपके बिहार ही के किसी इलाके में गया था और ये पूरे अक्सर जगहों पर ये मामूल था, क्या है कि एक बुजुर्ग आते थे, पीर साहब आते थे, अब वो क्या थे नहीं थे उनको भी पता नहीं, उस जमाने की बात बताते कि मेरे वो कह रहा था बुजुर्ग बूढ़ा, वो चचा बोल रहे थे मेरे बाप से पहले दादा के जमाने से ये सुनते हुए आ रहे हैं। क्या सुनते आ रहे हैं कि उस दौर में पढ़ा लिखा नहीं रहता था, हद ये है कि मुर्गी जबा करने के लिए भी लोग नहीं जानते थे, आज भी ये माहौल बना हुआ है, बोलो है कि नहीं? अरे जोर से बोलो है कि नहीं? हलाल करने के लिए लोग नहीं जानते हैं, ले दे करके साहब किसके ऊपर पड़े हैं, इमाम साहब ज़बह करें, मौली साहब ज़बह करें, आप खुद भी इस लायक बनो कि अगर मेरे घर में मुर्गी है, मेरे घर में मुर्गा है, मेरे घर में बकरा है, ज़बह करनी, खुद अपने हाथ से ज़बह करने के काबिल बनो। और उसको काबिल कब बनेंगे? जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे, जब उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। उस दौर में जानते ज़बह करने नहीं जानता था, लोग जैसे ही वो आते थे ना तो लोग
भीड़ लगाते थे और सब अपने घर से दो दो तीन तीन छुरी लेकर के पहुंचता था और कहता था हजरत छुरिया फूंक दीजिए, छुरी फूंक दीजिए। बोला कहे को जब मुर्गी जबा करेंगे, तो वो फूंक भी देते थे और अजीब सिस्टम भी था। कहता था ये कब तक चलेगा, तो एक्सपायरी डेट कब था मालूम है कि जब तक हम नहीं आ जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा, आएंगे इसका डेट एक्सपायर। अरे कौन एक्सपायर, अगर 6 महीना आ गया फिर फूकाओ, और अगर 6 साल में आया है तब तक चलेगा, 6 साल के बाद फूकाओ। आज हमको डर लगता है कहीं वो दौर भी वापस ना आ जावे। देखते कोई ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, ना दीन की तालीम से मुसय्यन करना चाहता है, ना दीन के तालीम से अपने बाल बच्चों को आरास्ता करना चाहता है। मैं तो कहता अपने बेटों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बेटों को हाफिज़े कुरान बनाओ, ये जरूरी है, फर्ज है। अपने बेटों को आलिम दीन बनाओ, बहुत बड़ा मुफ्ती मुफस्सिर बनाओ, फर्ज है। नहीं, इल्म हासिल करना फर्ज है। जितने आप अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजार सकते हैं, ये जान सकते हैं क्या हलाल है क्या हराम है, ये जरूरी नहीं कि हाफिज़े कुरान बनाओ। हाँ, अपने बेटे को कोई इंजीनियर बनाना चाहता है तो इंजीनियर बना, अपने बेटे को कोई डॉक्टर पढ़ाना चाहता है तो अपने बेटे को डॉक्टर बना, अपने बेटे को कोई अगर प्रोफेसर बनाना चाहता है तो अपने बेटे को इतना पढ़ा कि तेरा बेटा प्रोफेसर बन जाए, अपने बेटे को इंग्लिश बना पढ़ा, इंग्लिश ना बना दे, लेकिन याद रख ले अपने बेटे को इंग्लिश ना बनाने से पहले, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाने से पहले, अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाने से पहले उसे कुरान की कम से कम 2, 4, 5, 10 सूरतें याद करा दो। इससे फायदा ये होगा कि जब वो नमाज पढ़ेगा, अगर MBBS डॉक्टर भी रहेगा, नमाज पढ़ने के लिए सूरतें भी याद रहेगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपके लिए मेरे लिए कि अगर आपका बेटा मेरा बेटा इंजीनियर बना है या MBBS डॉक्टर बना है, अगर आप बीमार पड़ गए वही MBBS डॉक्टर आपका बेटा है जो आपका इलाज करेगा, आपकी दुनिया की जिस्मानी बीमारी से तुम्हें आपके जिस्मानी बीमारी का इलाज करेगा, आप शिफा पा जाएंगे तब तो ठीक है। और अगर कहीं इलाज होते होते दौराने इलाज कहीं अगर हम और आप रुखसत हो गए इंतकाल कर गए, तो याद रख वही इंजीनियर हो या MBBS डॉक्टर बेटा हो प्रोफेसर हो जो इंग्लिश का भी है साइंस का भी है मैथ का जानकार भी है, अगर वो कुरान की कुछ सूरतें याद रखा होगा पढ़ा दिया हमने होगा, तो उससे फायदा ये होगा कि जब तक हम दुनिया में रहेंगे वो दुनिया की जरूरतों में काम देगा, और जब हम और आप दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे इतना तो होगा कि वही डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बेटा जिसे कुरान याद रहेगा, कुरान की कुछ सूरतें याद रहेगी, कम से कम हमारी और आपकी कब्र पर खड़े होकर फातिहा खानी तो कर देगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम से अपने बच्चों को मुसय्यन करो, खूब पढ़ाओ। लेकिन आज पढ़ने पढ़ाने का दौर खत्म हो गया, लोग ना पढ़ाना चाहते ना हमारे बच्चे पढ़ना चाहते। आज यही वजह कि हम अपने बच्चों को देखते वो अपने बाप की ना तज़ीम करता है न अपनी माँ की वो खिदमत कर पाता है। लोगों, अगर अपने बाल बच्चों को वफादार बनाना है, अगर ये नियत है कि हमारा बाल बच्चे हमारे वफादार बने, तो उसे मुस्तफा की शरीयत सिखानी पड़ेगी, मुस्तफा का तरीका बताना पड़ेगा। और अब ये वक्त भी नहीं, बहुत बड़े बड़े हम हो गए हम और आप, अब ये वक्त भी नहीं कि हम कॉलेज जावे स्कूल जावे और जाकर के उतना वक्त दे सकते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, कहाँ से मिलेगा? देख, आपके गांव में इमाम साहब है, आपके गांव में मकतब है, आपके गांव में मदरसा है, चंद मिनट जाकर के वहाँ बैठे, 5 मिनट ही सही जाकर के बैठिए और उससे सीखें, कोशिश करें। फजर की नमाज पढ़ने जाओ, फजर के बाद 2 मिनट से 3 मिनट बैठ जाओ, हजरत आज मैंने वजू किया है, तो वजू करने के वक्त हमने जो मसह किया वो उंगली कैसे ले जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक उंगली, ये हथेली ले जाएंगे कैसे, कनपट्टी में फेरेंगे कैसे, गर्दन का मसह करेंगे, आप ये बता दें ये चौथाई सर का मसह है क्या? कसम अल्लाह की
अगर रोज एक बात पूछोगे, रोज अगर एक मसला सीखते जाएंगे, 30 दिन में अगर 5 वक्त की नमाज में एक ही मसला आपने सीखा, 30 दिन में 30 मसले सीखेंगे, 365 दिन में चल कुछ नहीं 365 नहीं 3.5 नहीं तो 300 मसला आप सीख जाएंगे। आप मदरसा नहीं जा पाएंगे, उलमा की कुर्बत में रह करके, सोहबत में रह करके कितने इल्म के हासिल करने वाले हो जाएंगे, कितना इल्म आपके पास महफूज हो जाएगा। और जब इतनी जानकारी हो जाएगी तब हमें समझ में आ जाएगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है। ना इल्म व हिकमत से आशना थे, ना खैर व शर की तमीज ही थी। नबी ने आकर हमें बताया हलाल क्या है, हराम क्या है। आज हम से काफी दूर है बात को, और मैं बता करके रुखसत होना चाहता हूँ। आप लोग सो गए? अरे जोर से बोले सो गए, थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। नहीं नहीं, ये मोहब्बत है, कम से कम इतना तो होगा कि भरगामा में सोया हुआ आदमी भी हाथ उठाता, जब सुतल आदमी उठा रहा है तो जागल कहन उठाएगा, जगा हुआ उठाएगा ना। तो आप लोग जाग ही रहे, एक मरतबा जागे हुए बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? जोर से बोलो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? जोर से बोलो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? जितने लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं उनसे, उन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ, क्या अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं? अरे जोर से बोलो अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं? माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं? कितने लोग मोहब्बत करते हैं, एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। अभी पता चल जाएगा कितने लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम पता लगाते हैं, जायजा लेते हैं, उससे पहले एक बस बस आ ही रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बस वहां तक पहुंचने वाले। माँ बाप से सच्ची मोहब्बत है? अरे जोर से बोलो माँ बाप से सच्ची मोहब्बत है? अच्छा एक रिवायत हम बयान करना चाहते हैं, सुनेंगे आप लोग? अरे जोर से बोलो सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलो सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग होश में हैं? होश में है ना? अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। नहीं आजकल लोग होश में बहुत कम में रहता है, हाँ बहुत लोग आजकल बेहोश में है। और अजीब अजीब हालात है। एक साहब बाएं हाथ से हजरत पानी पी रहा था। अच्छा ये बताइए आप लोग खाना खाते हैं दाहिने हाथ से बाएं हाथ से? अरे जोर से बोलो दाहिने हाथ से बाएं हाथ से? दोनों हाथे है, लेकिन अगर दाहिना हाथ सलामत है तो दाहिना हाथ से खाइए, जिसके पास दाहिना हाथ नहीं है तो वो बाएं हाथ से खाएगा, लेकिन दाहिना हाथ से खाना। अब इसको रहते हुए अगर पानी भी पिए तो दाहिने हाथ से पिए, खाना भी खावे तो दाहिने हाथ से खावे। एक साहब बाएं हाथ से पानी पी रहा था, एक मौलाना साहब ने उससे कह दिया, मौलाना साहब ने उससे कहा कि जनाब आप पानी पी रहे हैं तो बाएं हाथ से पी रहे हैं, दाहिना हाथ से क्यों नहीं पी रहे, दाहिना हाथ से पीजिए। तो वो आदमी बहुत जिद्दी था, उसको गुस्सा आया कि हमको टोक दिया, तो बाएं हाथ से पिए तो क्या हुआ? बोला नहीं दाहिना हाथ से पीजिए, दाहिना हाथ नहीं है। बोला है? बोला तो बाएं दाहिना हाथ से पीजिए, बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए। बोला काहे नहीं पीना चाहिए, दोनों जब हाथे है तब ई हाथ से पीवे चाहिए, ई हाथ से पिए, पिए तो हाथे से नहीं पिए, काहे बाएं हाथ से नहीं पी सकते, अगर बाएं हाथ से पिएंगे तो क्या होगा? मौलाना साहब ने कहा कि दाहिना हाथ है इसलिए बायां हाथ से पीना मना है, नहीं पीना चाहिए। मना है ठीक है, लेकिन अगर पिएंगे तो क्या होगा बताइए? बार बार वह कह रहे कि नहीं पीना चाहिए, बेहतर ये शरीयत का हुक्म ये है कि दाहिने हाथ से पियो, बाएं हाथ से मत पियो। तो कह रहा कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, आज बताना होगा कि काहे ने हम बाएं हाथ से पिएंगे। अब वो बहुत जिद्दी, उसी तरह उसी किस्म का आदमी, उसी किस्म का आदमी आया। आने के बाद में कहा मौलाना साहब क्या हुआ? बोले ये बहुत जिद्दी, इसको मैंने अच्छी बात बताया तो तू झगड़े पर उतर आया। बोला हुआ क्या? बोला सुनिए हम बाएं हाथ से पानी पी रहे थे, हम लेकिन ये टोके का है,
और अगर टोके के बायां हाथ से नहीं पीना चाहिए तो ये बतावे के पिएंगे तो क्या होगा। वो जिस तरह या अनपढ़ उसी तरह जो बाद में आया वो हल्के फुल्के था, कुछ तो जानकार था लेकिन पढ़ा लिखा उतना नहीं था। बोला बेकूफ मैंने सुना है बायां हाथ से नहीं पीना चाहिए। बोला आप भी वही बात बोल रहे हैं नहीं पीना चाहिए, पिएंगे तो क्या होगा। बोला बायां हाथ से जो पीता खाता पीता है ना तो शैतान के पेट में चला जाता है। तो बोला अब हमको समझ में आया, तो यही मौलाना साहब को बोलना चाहिए ना। तो कह रहे नहीं पीना चाहिए, मना है नहीं पीना चाहिए, अब समझ में आ गया शैतान के पेट में जाता है। अब दूसरे दिन वो आदमी बीच रोड में चौराहे में वो वाला समझ रहे हैं ना, हाँ लेकर के पी रहा। इधर से मौलाना साहब गुजरे, बोला बहुत बेवकूफ आदमी है, शर्म नहीं आती, ये मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों के बाजार में ये चौराहे पे अब दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शर्म नहीं आती। तो वो हंस रहा है, अरे शराब पी रहा है और हंस भी रहा है। बोला हजरत खाली दरवे को देख रहे हैं, हाथा देखिए ना हाथा। बोला हाथ क्या देखेंगे, हाथ तो देख ही रहे हैं कि हाथ से पी रहा है। फिर हंस रहा है, बोला खाली हाथ से पी रहे हैं यही देख रहे हैं, देखिए कौन हथवा है। बोला कौन हाथ है, बोला हाँ देखिए ये कौन हाथ है सो देखिए ना। बोला तुम बाएं हाथ से पी रहा है। बोला तब हम बेवकूफ हैं कि दाहिना हाथ से पियेंगे, कल है तो मसला पता चला है कि बायां हाथ से पीने के बाद सब शैतान के पेट में जाता है। पूरा ये कार्टून लाए हैं आज, सब शैतान को एकदम पूरा पगला के छोड़ देंगे। अब बेटा ये अपने पागल हो रहा है, यहाँ मसला ढूंढ लिया हाँ कि बायां हाथ से कहा है तो अब पियेंगे तो एक बहाना निकल गया। लेकिन याद रख, कभी आपने ये भी सुना है कि आपने खाना खाने से पहले माँ बाप को खिलाओ, अरे जोर से बोलो सुना है कभी, आपने खाना खाने से पहले माँ को खिलाओ, अपने खाने पीने से पहले बाप को खाना खिलाओ। अब जानते हैं हजरत सैयदना हजरत सैयदतुना हजरत सैयदतुना फातिमतु जहरा खातून जन्नत अली की बीवी नबी की लाडली हसनैन की माँ का एक वाकिया 2 से 3 मिनट में बयान करके आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार है तो एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले हुसैन का दामाद, वली का दामाद, नबी का दामाद, नहीं छोड़ेंगे माशाल्लाह, नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हफ्ता में 7 बोतल पिएगा, कहेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते पहले बोतला छोड़ो न तब दामन नहीं छूटेगा चलेगा, लेकिन पहले बोतला छोड़ इन गुनाहों से बचो। अब देखो हजरत फातिमा खातून जन्नत ने दस्तरखान लगाया, मैं की आवाज से बहुत उलझन है। हजरत फातिमा खातून जन्नत ने दस्तरखान लगाया और छोटे छोटे बच्चे कौन है, हजरत हसनैन करीमैन है। हजरत फातिमा ने हजरत इमाम हुसैन से कहा था, बेटे देख दस्तरखान लगा दिया है, आ बेटे साथ में खाना खा दे, आ बेटे दस्तरखान लगा दिया खाना खा लो। हजरत इमाम हुसैन आए, बचपना है, दस्तरखान लगा है। अब दस्तरखान के करीब आकर के बैठ गए, माँ फातिमा भी बैठ गई। हजरत फातिमा ने प्लेट लगा दी, एक प्लेट है, इधर माँ बैठी है, इधर बेटा बैठा है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, माँ आप खाना खाओगी कि मैं खाना खाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन के सवाल पर माँ फातिमा ने कहा था, बेटे आप भी खाना खाओगे, मैं भी खाना खाऊंगी। तब हजरत इमाम हुसैन ने कहा, माँ प्लेट एक है, बर्तन एक है, कटोरा एक है, खाने वाले 2 हैं, आप एक और कटोरा लाइए। तब माँ ने कहा है, बेटे आज तो रोजाना तू अलग कटोरे में खा लेता था, दस्तरखान एक रहते थे, लेकिन ये मेरे बेटे सुन ले, आज प्लेट एक है, कटोरा एक है, बर्तन एक है, ये खाने वाले हम 2 माँ बेटे हैं, आज तो
तेरी माँ फातिमा की ख्वाहिश है, आज तेरी माँ का दिल का अरमान है, तेरी माँ आज ये चाहती है और ये ख्याल करके बहुत खुश हो रही है। हजरत हुसैन ने कहा था क्या बात है, तब हजरत इमाम हुसैन के सवाल पर फातिमा खातून जन्नत ने कहा मेरे बेटे आज मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि आज माँ और बेटे दोनों संगे संगे साथ साथ एक प्लेट में खाना खाएंगे। अच्छा एक चीज ये बताइए, माँ जो बोली गलत बोली कि सही? अच्छा ऐसा बोल सकती है माँ की नहीं? अरे जोर से बोले, बोल सकती है। अच्छा आप लोग भी बोले, आपकी माँ अगर बोले कि बेटा आज हम दोनों मिल के एक ही साथ खाना खाएंगे, माँ बेटे आज एक प्लेट में हम खाना खाएंगे, अगर माँ कहे कि मेरे साथ एक प्लेट में खाना खाओ तो आप लोग खाइएगा? अरे जोर से बोले खाइएगा, माँ के साथ खा लीजिएगा। अरे जोर से बोले खाइएगा इधर वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह, जेकर सदियों भेले वही कह रहे खा लेंगे। अभी तो नहीं बुध कह रहा खा लेंगे, लेकिन जिसकी शादी हो गई वो अभी तक नहीं बोला खा लेंगे। माँ के साथ खाना खाइएगा, अरे जोर से बोलो, माँ बोले कि बेटा आज दोनों हम बैठ के एक ही प्लेट में खाना खाएं, खाइएगा? अगर बाप कहे तब, अरे जोर से बोलो, बाप बोले कहे तब, दादा कहे तब खा लीजिएगा, दादा कहे तब ना, और चाचा कहे तब। कहे चाचा से नफरत है आ? खा लेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ कहे तो हम और आप खा लेंगे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बाप कहे तो दोनों मिलके बाप बेटे एक साथ खाना खा लेंगे, जोर से बोले। और अगर बीवी कहे तब खाएगा कोई नहीं, नहीं खाएगा। हाँ खान साहब अच्छी बात बोल रहे हैं, लजाने बात भी नहीं है, डर भी जाता है। अगर कहीं जैसे एक जगह पर तकरीर हुई, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। बैठ जाइए बैठ जाइए, अब स्टेज और भारी हो चुका है। शायरे इस्लाम हिंदुस्तान का वो दुलरुआ शायर, शायरे इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अब आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए, अब बस दो से तीन मिनट में ये बात मैं पूरी करूं, फिर उसके बाद में मैं अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। वक्त का तकरीबन तकरीबन अपने मरहले तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पूरा मजमा इधर तवज्जो रखे तवज्जो रखे, एक झंझट है, ये आवाज जो दो आवाज है मेरे बोलने के बाद जो आवाज आ रही उधर से रिटर्न, इस आवाज से बातें ना आप ठीक समझ पा रहे ना मैं बोल रहा हूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसा बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जो बात मैं बयान कर रहा हूं उसे थोड़ी देर गौर से सुनने की कोशिश करें। पूरा मजमा यहां से वहां तक ध्यान दे। हम एक बात यहां चली थी कि सुन्नत है, हाँ खान साहब बोल रहे थे कि नहीं मियां बीवी दोनों को साथ खाना खाना चाहिए चाहिए, लेकिन लोग खाता नहीं है। हाँ लेकिन सुन्नत है, सही बात सुन्नत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया, अभी देखते नहीं। अच्छा एक चीज और देखिए, एक बात और मैं बयान करूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पाक के करीब एक देहाती आया, सहाबी आया, नबी का दीवाना आया, और आने के बाद में आवाज लगाया हबीबी या रसूल अल्लाह आपका गुलाम आया है हाजिर है दरवाजे पर। अंदर से आवाज आई तू कौन है, तू नबी को तलाश कर रहा है, अभी आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला
अलैहिस्सलाम अभी अपने कमरे में नहीं है, कहीं किसी सहाबी के घर तशरीफ ले गए हैं, थोड़ी देर बाहर बैठो। वो शख्स कहने लगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, नबी से मुलाकात करने आया हूँ। मेरे आका तशरीफ लाने में मैं सोचा नबी से मुलाकात कर लूँ, लेकिन मेरे आका नहीं है। मैं अपने नबी की बारगाह में कुछ हदिया लेकर के आया था नबी की बारगाह में पेश करने के लिए, तो लिहाजा ये तोहफा रख लीजिए और जब मेरे नबी आ जावे तो मेरे नबी की बारगाह में ये तोहफा पेश कर दीजिएगा। ये दे करके रख करके दरवाजे पर वापस हो गया। और वो चीज क्या थी? वो देहाती दूर से आने वाला सहाबी जो आया था, वो एक गोश्त का टुकड़ा लेके, पका हुआ गोश्त है, भुना हुआ गोश्त है, वो लेकर के आया था नबी की बारगाह में। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में है, दरवाजे पर रख करके वापस गया। हजरत आयशा ने वो गोश्त की बूटी अंदर रख दी। अब सुनो मुसलमानों, जब वो मेरे आका तशरीफ ले आए, थोड़ी देर के बाद आयशा कहने लगी, हबीबी या रसूलल्लाह, एक शख्स आया था आपसे मोहब्बत करने वाला, आपका चाहने वाला गुलाम आया था या रसूल अल्लाह, और वो तोहफे में कुछ दे करके गया है, कुछ सामान है। मेरे आका ने पूछा था, आयशा वो क्या चीज है? तब हजरत आयशा मोमिनों की माँ, हम मोमिनों की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, एक भुना हुआ गोश्त, भुने हुए गोश्त की बूटी है, पके हुए गोश्त की एक बूटी, हड्डी वाली गोश्त है। मेरे आका ने फरमाया, आयशा इधर लाओ। मेरे नबी के दस्ते मुबारक में वो बूटी रख दी गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, चेहरे पर मुस्कान आया, मुस्कुराने लगे। फिर उसके बाद में वो मेरे आका ने कहा, ये क्या कह के दिया है? आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, उसने कहा मेरे नबी आए तो पेश कर देना है, मेरे नबी से तनावुल फरमाएंगे। मेरे आका मुस्कुराते हैं, उसे खाने लगते, नोच नोच के खाने लगते, गोश्त को दांतों से काट के खाने लगे। नबी खा रहे हैं, आयशा देख रही है, नबी खा रहे हैं, हम मोमिनों की माँ देख रही है। मेरे आका ने फरमाया, आयशा मैं खा रहा हूं, तू बार बार इधर देख रही है, क्या तेरी भी खाने की तबीयत है? तब आयशा कहने लगी, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि अगर आप इजाजत दे दे, आप मेरी तरफ बूटी को बढ़ा दे, तो आपकी बीवी ये मोमिनों की माँ आयशा भी खाना चाहती है। हाथ में मेरे आका ने रख दिया, हजरत आयशा नोच नोच के खाने लगी। अब हजरत आयशा खा रही, हजरत आयशा खा रही है और मेरे नबी देख रहे हैं। हजरत आयशा खा रही है, मेरे नबी देख रहे हैं। हजरत आयशा खा रही, नबी देख रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तेरा खाना हो गया, अगर तुम खा चुकी हो तो कुछ उसमें बचा है फिर मेरे तरफ बढ़ा दो। हज़रत आयशा ने फिर वो बूटी नबी के दस्ते मुबारक में रख दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और जब रख दिया तो मेरे नबी उस बूटी को देख रहे हैं, कभी इधर पलट के, कभी इधर पलट के, कभी इधर पलट के देख रहे हैं। आयशा कहती, या रसूल अल्लाह, हम बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, क्या इधर उधर पलट के देख रहे हैं, हम तो थोड़ी ही से गोश्त को नोच के खाए हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, आयशा मैं ये नहीं देख रहा तू कितना खाई है, मैं ये देख रहा हूँ कि तू किधर से खाई है। जिधर से तू खाई है उधर से आज ये मोहम्मद रसूलुल्लाह खाएगा। कहा क्यों? कहा ताकि मेरी उम्मत को पैगाम मिले कि शौहर का झूठा बीवी के लिए झूठा नहीं होता और बीवी का झूठा शौहर के लिए झूठा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो ये मोहब्बत की अदाएं हो जाया करती है। लेकिन याद रखे मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मेहमान मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, आज ये चीज़ें हमारे अंदर है, अगर करना भी चाहते तब भी तो दिक्कतें। इस देहात में अगर कहीं इतनी दिक्कत, अगर कोई मोहब्बत सोचे ना कि नहीं, कम से कम जब नबी की सुन्नत है, अली फातिमा की सुन्नत है, तो चलो हम ये सुन्नत को अदा करते हैं, तो सामने नहीं खाएंगे, कहाँ खाएंगे? लेकर के सीधे अपनी कोठरी में, जहाँ बीवी है, चल गया दरवाज़ा भेड़ करके, वहीं दोनों शुरू किए। तो जो कभी बराबर यहाँ खाता था, आज एकदम अंदर लेके गया है, तो किसी का शक हो या ना हो, लेकिन माँ को की बात है, का बात है भाई।
और जैसी देखे तो दरवाजा खोल के नहीं हल्के झरोके से कहीं देखी, अरे बाप रे दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। तब उसके बाद में हंगामा, अब वहाँ से निकलेगी और पूरे गांव में हमर बेटा खत्म हमर बेटा खत्म। बोला क्या हुआ, एक्सीडेंट किया? बोला ना बेटा खत्म, मेरा बेटा खत्म। बोला क्या हुआ? बोला नहीं बीवी एक बात मान रहा है, बीवी जूठा खा रहा है। सुनो संगी एक इत्मीनान पैदा करो, हमारे बुजुर्ग ने दीन फरमाते घर में जितने परिवार हैं बेटे बेटियां माँ बहन बैठ यार एक दस्तरखान पे खाना खा, अपने घर के परिवार गैर महरम को मत बैठा या गैर महरम के साथ मत बैठ, अपने जो घर के परिवार है जो महरमात में से है उनको एक दस्तरखान पे बैठाओ, एक दस्तरखान पर बैठ करके और खाना खाओ। याद रख बुजुर्गों ने दीन फरमाते हैं जिस घर में ऐसे दस्तरखान पे खाना खाए जाते हैं उस घर से गुर्बत खत्म हो जाती है, उस घर में रिस्क का अंबार उतरता है और पूरे परिवार के दरमियान मोहब्बतें पैदा होती चली मोहब्बतों को पैदा करो। और साथ ही साथ मेरी माँ बहने तुम अपने शौहरों की खिदमत करो, तुम अपने शौहरों की इज्जत करो, शौहरों की खिदमत करो, उनकी खिदमत में, उनकी खिदमत में जो अपने शौहर की खिदमत करे। जो औरत हजरत फातिमा कहती है कल कयामत के दिन वो फातिमा की कनीज बनकर के जन्नत में रहेगी, जिसकी जिस औरत से उसका शौहर खुश है, जिस औरत से उसका शौहर राजी है। इसलिए मेरी माँ बहनों तुम अपने शौहरों को राजी करो और अपने सास ससुर की इज्जत करो, खिदमत करो, ताजीम करो। मुसलमानों तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह हम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, मौला हम मुसलमानों को तमाम गुनाहों से बचाए और हम मुसलमानों को शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। या हज़रत मौलाना अकील साहब क़िबला जिन्होंने और ये हमारी इस गांव के जुमला उलमाए इकराम ने जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, आप लोगों ने मोहब्बतें पेश की, इतना बड़ा जलसा सजा, अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमाए और सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की मौला तो तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। सबों को झूठ चुगली से हिफाजत फरमा, पंज वक्त नमाज पाबंदी के साथ अदा की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।